अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी होस्टर दोस्त रिफत परवीन, रिफत किचन उद्घाटन से। तो आज मैं आपको लिए एक रेसिपी नहीं लेके आई बल्कि एक ब्लॉग लेके आई हूँ। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मैं आपको खुशखबरी सुनाऊंगी, तो आज वो दिन है कि मैं आपको खुशखबरी सुनाऊँ कि मेरी फैमिली आ गई है पाकिस्तान से, मेरे बच्चे आ गए हैं। तो आज मैं एयरपोर्ट पर उनको लेने के लिए गई हूँ। तो ये देखें, मेरे बच्चे आने वाले हैं। तो हमने सोचा पहले थोड़ी सी, जब तक वो आते हैं तो हम कैफ़े पी लें। फ्लाइट तो उतर चुकी है लेकिन सामान शान लेने में अभी वक्त है। तो वो सामने वो सामान जो है ना ले रहे हैं अपना, तो फ्लाइट उतर चुकी है, सामान ले रहे हैं बच्चे, और हम यहाँ से देख रहे हैं मिरर से, उनको अंदर नहीं जाने दे रहे कोरोना की वजह से। तो हम वेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते हैं, और जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखें, मेरी बेटियों ने मैं देखा तो हमारे पास आ गई हैं माशाल्लाह। तो बहुत खुश हैं हम सब के बच्चे जो हैं वो आ गए हैं, तवील अरसे के बाद आखिरकार मेरे बच्चे मेरे पास आ गए हैं। तो आप लोगों ने भी बहुत सारी दुआएं की थी कि मेरे बच्चे जल्दी जल्दी आ जाएं। तो बहुत से लोगों की दुआओं के वसीले से अल्लाह ताला ने मेरी मुश्किलें आसान की अपने हबीब के वसीले से। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जो मेरे साथ इतने मुखलिस हैं और मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए इतनी दुआएं करते हैं, क्यों आप सबका। तो ये देखिए, मेरे बच्चे सामान ले रहे हैं और अब भी वो बाहर जाएंगे। मोहम्मद भी हमारे साथ आया हुआ है अपने बहन भाइयों को लेने के लिए, और उसको तो खैर सकता ही हो गया है अचानक बहन भाइयों को देख के, तो वो भी बहुत खुश है। तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए हुए हैं सारे, बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन है कि इतने अरसे बाद हम मिल रहे हैं। तो आखिरकार हमारे बच्चों ने, मुझे लगता है, सामान ले ही लिया है अपना, ढूंढ ही लिया है और इधर उधर घूमे जा रहे हैं। कुछ सामान आ चुका है, कुछ जा रहा है। तो पहली दफ़ा उन्होंने एरोप्लेन में सफ़र किया, तो फिर सामान ढूंढने में तो थोड़ा टाइम लगता ही है। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मुझे आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत खुशी होती है, और जो लोग नए आते हैं मेरे चैनल पर काइंडली वो सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी नई नई वीडियो आपको देखने को मिले। तो उम्मीद है कि आप सब भी खुश होंगे मेरी इस खुशी में। जो लोग शामिल हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, वो मेरी खुशी में शामिल है। और ये देखें, माशाल्लाह मेरे बच्चे सामने नज़र आ रहे हैं, और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे बच्चे मेरे पास आ चुके हैं नई तवील मुद्दत के बाद। और ये देखें, मोहम्मद गाड़ी में बैठा हुआ था जब हम आ रहे थे। हमने भी काफ़ी 3.5 घंटे का सफ़र तय करके हम यहाँ एयरपोर्ट पर आए हैं। तो आकर बच्चे जो है हम देख रहे हैं कि वो उधर से आ रहे हैं दूसरी एंट्री से। ये मोहम्मद और उसके पापा भाग रहे हैं जल्दी जल्दी कि हम उनको जल्दी जल्दी रिसीव करें। मोहम्मद बहुत एक्साइटेड है अपने बहन भाइयों से मिलने के लिए। तो ये देखें, भाग रहे हैं अपने पापा के साथ। पापा भागो भागो, आप ही और भाई आ गए। तो ये देखें, वो आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम भी भाग के आ रहे हैं, और ये मैं और मोहम्मद भाग के जा रहे हैं उनको मिलने के लिए। रास्ते में आपने उनको पकड़ लिया है, बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे उस वक्त जब मेरे बच्चे मेरे गले आके लगे, और मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं बयान नहीं कर सकती। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मेरे बच्चों को मुझसे मिलाया है। इतने अरसे के बाद हम मियाँ बीवी दोनों खुश हुए हैं बच्चों से मिलकर। ये देखे, बच्चे अपने पापा से मिलकर भी बहुत ही ज़्यादा खुश हैं माशाल्लाह। और मेरा बेटा देखे अपने भाई के साथ कितना खुश है। अल्लाह ताला इनकी जोड़ी सलामत रखे, अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे मेरे बच्चों को और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। ये मेरा बेटा अपने पापा से मिल रहा है और बहुत खुश हो रहे हैं वो। तवील अरसे के बाद, एक जुदाई के बाद आकर मिल ही गए हम लोग।
हमारी फैमिली एक जगह इकट्ठी हो चुकी है माशाल्लाह। तो अब हम नीचे ये देखें, ये लेके आए हैं इतना सारा सामान, तो मैं आपको दिखाऊंगी फिर किसी और व्लॉग में कि मेरे बच्चे हमारे लिए क्या क्या लाए हैं और कौन कौन सी चीज़ें लाए हैं। तो ये देखें, हम लिफ्ट से नीचे आ गए हैं पार्किंग में, अब सामान हम पार्किंग में हम रख रहे हैं और वापस घर की तैयारियाँ हो रही हैं क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी है और हमने 3.5 किलोमीटर का सफ़र भी, 3.5 घंटे का सफ़र हमने तय करना है। तो ये देखिए हम एयरपोर्ट से आकर निकल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबका थैंक। ये देखिए पेरिस के खूबसूरत रोड्स और एयरपोर्ट, बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट है पेरिस का। तो हम यहाँ से पार्किंग से सारे निकल रहे हैं, आखिर हम पार्किंग से निकल कर रोड पे आने वाले हैं। मैंने सोचा आपको थोड़ा सा बाहर का भी मंजर दिखा दूँ कि पार कैसा लग रहा है इस वक्त। रात के तकरीबन 10:30 बजने वाले हैं, तो हम यहाँ से निकल रहे हैं घर के लिए। तो ये देखिए पेरिस की रोशनियाँ, कितना खूबसूरत सिटी है फ्रांस का पेरिस। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलें, और ये मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और पेरिस की सिटी की रोशनियाँ देखें, कितने प्यारे लग रहा है सारा। तो हम घर की तरफ रवान हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ मुझे इजाज़त दें और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलें और बेल का आइकन लाजमी दबाएं। और आखिर में मैं आपको एक बात बताती चलूं कि आपके कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। तो ये देखें, अल्लाह हाफिज़।